बहुत समय पहले की बात है, सोनापुर नामक गांव में एक बहुत सुंदर जादुई सोने का पेड़ था, जिसके ऊपर फल भी आते थे हीरे और सोने के। वह जादुई सोने का पेड़ गांव में हर किसी की मदद करता था। जो भी कोई अपनी मदद के लिए आता था, वह जादुई सोने का पेड़ उसकी मदद करता था। जादुई सोने के पेड़, मेरी बेटी की शादी है, मुझे मेरी बेटी के लिए जेवर बनवाने हैं, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मेरी मदद करो। जी जी अम्मा जी, आप चिंता ना करो, आपके गांव में जब तक ये जादुई सोने का पेड़ है, तब तक आपको धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। मैं अभी आपको ढेर सारा सोना देता हूँ, जिसकी मदद से आप अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से कर सकती हैं। ऐसा कहकर वह जादुई सोने का पेड़ उस बूढ़ी औरत को बहुत सारा सोना देता है और वह खुशी खुशी उस सोने को लेकर चली जाती है। इसी तरह जो भी कोई अपनी परेशानी उस जादुई सोने के पेड़ को बताता, तो वह जादुई सोने का पेड़ उसकी तुरंत उस परेशानियों को चुटकियों में हल कर देता। सोनापुर नामक गांव में एक अनाथ लड़की सपना रहती थी, जो हमेशा जादुई सोने के पेड़ के आसपास की सफाई करती और कभी भी उससे धन दौलत नहीं लेती थी। एक दिन जादुई सोने का पेड़ सपना से कहता है, सपना तुम कितनी अच्छी हो, बिना किसी लालच के मेरी कितनी सेवा करती हो, समय पर पानी देती हो, सफाई करती हो और बदले में मुझसे कुछ भी नहीं लेती, मेहनत करके पैसे कमाती हो, और यह गांव वाले हैं कि मुझसे हमेशा मांगते ही रहते हैं और मेरे लिए कभी भी कुछ नहीं करते। जादुई सोने के पेड़, आप जिस तरह से हमारे गांव वालों की मदद करते हैं, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपकी कोई सेवा नहीं करता तो क्या हुआ, मैं हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने सब कुछ आपको ही मान रखा है, काम करके आती हूँ, खाना खाती हूँ और तुरंत आपके पास आ जाती हूँ, आपके पास बैठकर आपका काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। सपना हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से रोज सपना और जादुई सोने का पेड़ आपस में बातें करते रहते। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी जादूगरनी आती है और वह गांव में आकर सोचती है, मैंने सुना है इस गांव में जादुई सोने का पेड़ है, जो फल भी हीरे और जवाहरात के देता है, अगर ये बात सच है तो उसकी शक्ति प्राप्त करके मैं कितनी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी, और अगर ये बात झूठ निकली तो मेरा यहाँ आना बेकार ही हो जाएगा, मुझे सच का पता लगाना होगा, आखिर ये बात सच भी है या नहीं। ऐसा सोचकर वह जादूगरनी जादुई सोने के पेड़ के पास जाती है और उससे कहती है, ए जादुई सोने के पेड़, मैंने सुना है कि तू हमेशा मुसीबत में आए लोगों की मदद करता है, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी पैसे थे वह सब खत्म हो चुके हैं, मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा, मैं घर कैसे जाऊंगी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे अपने जादुई सोने के पेड़ से कुछ पैसे दे सकते हो। आप मुसीबत में हैं और मैं आपकी मदद ना करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं अभी आपको बहुत सारे पैसे देता हूं, जिसकी मदद से तुम आसानी से अपने घर भी पहुंच जाओगी और एक हंसी खुशी जीवन भी बिताओगी। ऐसा कहकर वह जादुई सोने का पेड़ उस दुष्ट जादूगरनी को बहुत सारे हीरे और जवाहरात और सोने के सिक्के देता है, जिन्हें देखकर उस जादूगरनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह मुस्कुराते हुए वहां से आ जाती है। और रात हो जाने के बाद वह दोबारा से जादुई सोने के पेड़ के पास आती है और उससे कहती है, पागल जादुई सोने के पेड़, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे अपना जादू दिखाकर अब मैं तेरी सारी शक्तियाँ छीन लूंगी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं होगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे मारना चाहती हो, कृपया करके मेरी शक्तियाँ मत छीनो, अगर तुमने मेरी शक्तियाँ छीन ली तो मैं जीवित नहीं रहूंगा, कृपया करके मुझे छोड़ दो, यह गांव वाले बहुत खुश हैं, अगर उनके ऊपर कोई परेशानी आती है तो मैं उसे हल कर देता हूँ, कृपया करके इन गांव वालों की खुशियों को तो मत छीनो, उनकी मुस्कुराहट को तो मत छीनो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी शक्तियाँ छोड़ दो, मुझे मत मारो।
इस तरह से जादुई सोने का पेड़ उस जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन वह जादूगरनी उसकी एक नहीं सुनती और अपनी जादुई शक्तियों से उसकी सारी शक्तियाँ अपनी जादुई छड़ी के अंदर ले लेती है और हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। सुबह होने के बाद जब सब जादुई सोने के पेड़ को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह पेड़ पूरी तरह से काला हो चुका था, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था। गांव वाले आपस में बातें करने लग जाते हैं। अरे अरे, यह तो जीवित ही नहीं रहा, यह तो मर गया है। अब यह हमारी मदद नहीं करेगा, हमें धन दौलत नहीं देगा। इस पेड़ ने बहुत जगह घेर रखी है, हमें इसे काट देना चाहिए और इसकी जगह दूसरा पेड़ लगा देना चाहिए। कम से कम उस पेड़ से हमें फल तो मिलेंगे, यह तो किसी काम का नहीं रहा। हाँ हाँ सरिता बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब यह पेड़ हमारे किसी काम का नहीं बचा। जब तक हमें धन दौलत दे रहा था तब तक तो यह हमारे काम का था, अब तो इसने जगह ही बेकार में घेर रखी है। हमें आम का पेड़ लगा लेना चाहिए, कम से कम हमें आम तो खाने के लिए मिलेंगे। इस तरह से पूरे गांव में बातें होने लगी थी और जब इस बात की खबर सपना को लगती है तो वह सभी लोगों से कहती है, मैंने आप जैसे बुरे और लालची लोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। जब तक यह जादुई सोने का पेड़ जीवित था उसने तुम्हारी मदद की, तब तक तो यह आपके काम का था, लेकिन जैसे ही यह मर गया तो आप इसे यहाँ से हटाना चाहते हैं। आपको ये पता लगाना चाहिए कि इसकी हालत किसने की, इसे किसने मारा। आपको उसे पकड़ना चाहिए। मैं तुम्हें इस पेड़ को नहीं काटने दूंगी, यह पेड़ जैसा भी है यहीं पे लगा रहेगा। अरे देखो तो ये छोटी सी लड़की हमारे सामने खड़ी होकर कितनी जबान चला रही है, आगे पीछे तो खुद के कोई है नहीं। तू हमें रोकेगी इस पेड़ को काटने के लिए? हम भी देखते हैं कि तू हमें कैसे इस पेड़ को काटने से रोकती है। अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी और इसका इल्जाम आप लोगों के ऊपर आएगा। फिर पुलिस के चुंगल से आप लोगों को कौन बचा सकता है? अगर अभी भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत है तो इस पेड़ को काट कर दिखाओ। और ये बात मैं सच में कह रही हूँ, अगर किसी ने जादुई सोने के पेड़ की तरफ आँख उठा कर भी देखा तो मैं खुद खुशी कर लूंगी और इसका इल्जाम आप लोगों के ऊपर आएगा। सोच समझ कर फैसला करना। सपना की यह धमकी सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं और वह पीछे हट जाते हैं और उस काले जादुई सोने के पेड़ को नहीं काटते। और सपना उसी पेड़ के नीचे बैठ जाती है और घर नहीं जाती, ना तो वह खाती है और ना ही पीती है, बस पेड़ के नीचे बैठी रोती रहती है। जादुई सोने के पेड़, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। दो दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई, तुम्हारे जाने का मुझे बहुत दुख है। पता नहीं तुम्हारे साथ यह सब किसने किया, अगर मेरे सामने आ जाए मैं तो उसकी जान ही ले लूं। जब तुम होते थे तो मुझे मेरे माता पिता की बहुत कम याद आती थी, ऐसा लगता था कि तुम ही मेरे माता पिता हो, कभी अकेलेपन का पता ही नहीं चला। लेकिन आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती, काश मैं तुम्हें दोबारा से जीवित कर पाती, मगर ये कैसे होगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पता और ये गांव वाले कि तुम्हें यहाँ से हटाना चाहते हैं, लेकिन मेरे जीते जी यह काम को नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इस तरह से सपना बहुत रो रही थी और उसके आंसू टप टप जादुई सोने के पेड़ की जड़ में गिर रहे थे। तभी एक आवाज आती है, सपना तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जैसा कि तुमने वादा किया था तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी, तुमने अपना वादा पूरा किया। मेरे अंदर अभी भी थोड़ी जान बाकी है, लेकिन मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। जादुई सोने के पेड़, तुम बात कर सकते हो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, कृपया करके मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकती हूँ, तुम किस तरह से ठीक हो पाओगे? सपना यह बहुत मुश्किल है, मैं तुम्हारी जान खतरे में डालना नहीं चाहता। मैं ठीक तो हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें काली गुफा के अंदर जो जादुई चांदी का पेड़ है वहाँ से दो टहनी लेकर आनी होंगी। उसके बाद उस जादुई चांदी की टहनी को मेरे पेड़ के पास लगाना होगा, इसी तरह मैं ठीक हो पाऊंगा, वरना मुझे ठीक करने का कोई और चारा नहीं है। लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं है, वह गुफा बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहां भूत और प्रेत रहते हैं, बुरी बुरी चुड़ैल रहती हैं, वह तुम्हें अपना निवाला बना लेंगी। तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगी।
ऐसा कहकर सपना सभी खतरनाक रास्तों को पार करके काली गुफा के अंदर पहुंच जाती है, तो वहां बहुत ही ज्यादा डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी और एक काला साया तो सपना का पीछा भी कर रहा था, लेकिन वह हार नहीं मानती। उन सबको मात देकर वह जादुई चांदी के पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर उसे कहती है, ए जादुई चांदी के पेड़, जादुई सोने के पेड़ को तुम्हारी जरूरत है, कृपया करके मुझे अपने पेड़ से दो चांदी की टहनी दे दो। सपना इस तरह से रोते हुए कह रही थी कि वह जादुई चांदी का पेड़ सपना की मदद किए बिना नहीं रह पाया और वह तुरंत अपने जादुई चांदी के पेड़ से सपना को चांदी की दो टहनी दे देता है और वह खुशी खुशी उन टहनियों को लेकर आ जाती है और वहां आकर वह जादुई सोने के पेड़ के पास वह जादुई चांदी की टहनियां लगा देती है। देखते ही देखते वह जादुई सोने का पेड़ जीवित हो जाता है और वह खुश होकर सपना से कहता है, सपना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद करूं। सच में अगर कोई मेरा भी अपना होता तो मेरे लिए इतना नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया है। तुमने कभी धन दौलत का लालच नहीं किया, मुझसे कुछ भी नहीं लिया, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना किया। मेरे लिए गांव वालों से लड़ गई, अपनी जान देने तक की बात की। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ही कम लोग होते हैं तुम्हारे जैसे। जादुई सोने के पेड़, यह बात करके तुमने मुझे पराया कर दिया। मैं तो तुम्हें अपना ही मानती हूँ और अब तुम किसी की कोई मदद नहीं करोगे। अपने जादुई सोने के पेड़ को एक साधारण पेड़ में बनाओगे और जैसे साधारण फल आते हैं उसी तरह के फल दोगे, वरना दोबारा से कोई तुम्हारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, पता नहीं अगली बार मैं तुम्हें बचा भी पाऊँ या नहीं। मुझसे वादा करो कि तुम साधारण हो जाओगे। सपना, यह तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम नहीं होती और वह जादुई चांदी का पेड़ अपने पेड़ से जादुई चांदी की दो टहनियां नहीं देता तो वह जादूगरनी कभी नहीं मरती और उसकी सारी शक्तियां मेरे पास दोबारा से कभी नहीं आती। तुम्हारा और उस जादुई चांदी का पेड़ का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों की मैं मदद करता था उन लोगों ने तो मेरी मदद नहीं की, इसलिए अब मैं साधारण हो जाऊंगा और मेरे पेड़ पर जो भी फल लगेंगे उन्हें सिर्फ तुम ही तोड़ोगी और तुम ही बेचोगी और कोई काम नहीं करोगी। ठीक है, मुझसे वादा करो। इस तरह से वह जादुई सोने का पेड़ एक साधारण आम के पेड़ के रूप में आ जाता है और सपना खुशी खुशी उस पेड़ से आम तोड़ती है और बाजार में बेचती है और अपना पालन पोषण करती है और उस पेड़ की भी बहुत देखभाल करती है। इसी तरह जादुई सोने का पेड़ और सपना अपना अच्छा जीवन बिता रहे थे। बहुत समय पहले की बात है, सोनापुर नामक गांव में दो सौतेली बहन काजल और दिव्या एक साथ एक ही घर में रहा करती थी। काजल और दिव्या के पिता शहर में काम क्या करते थे और वह जो भी पैसे कमाते थे वह शहर से किसी न किसी के हाथ भेज दिया करते थे और उन पैसों का काजल दिव्या को पता नहीं लगने दिया करती थी और उन सभी पैसों को अपने दोस्तों के साथ पार्टी और शॉपिंग करने में उड़ा दिया करती थी। दिव्या को ऐसा लगता था कि उसके पिता शहर जाकर उन्हें भूल ही गए, वह पैसे नहीं भेजते। दिव्या को सिलाई करनी बहुत अच्छे से आया करती थी, इसलिए वह सिलाई कर पैसे कमाती थी और उन्हीं से घर का गुजारा करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन दिव्या के पास पड़ोस की सरिता आंटी आती हैं और वह दिव्या से कहती हैं, दिव्या बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो 10,000 रुपए भेजे हैं उनमें से मुझे 5,000 रुपए उधार दे दो, मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगी। सरिता आंटी, आपको गलत फहमी हो रही है, पिताजी तो शहर से हमें 1 रुपया भी नहीं भेजते। आपको तो पता है मैं सिलाई करती हूँ और उसी से अपना और काजल का पालन पोषण करती हूँ। शहर जाकर तो पिताजी भूल ही गए कि गांव में उनकी अपनी 2 बेटियाँ भी हैं। वाह वाह बेटा, अगर तुम्हें मुझे पैसे उधार नहीं देने तो साफ साफ मना कर दो, लेकिन अपने बाप को इस तरह से बदनाम तो मत करो। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले ही तो मेरे पति के हाथ तुम्हारे लिए 10,000 रुपए भेजे और अभी नहीं, वह तो हमेशा से तुम्हारे लिए पैसे भेजते हैं। तुम मुझे पैसे देना नहीं चाहती इसलिए मुझे झूठी कहानी सुना रही हो। मुझे झूठी कहानी मत सुनाओ, मुझे सब पता है। ऐसा कहकर सरिता आंटी गुस्से में वहां से चली जाती हैं और सरिता आंटी की बातें सुनकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब उसे सब समझ आ जाता है कि काजल उसके साथ धोखा कर रही है। जब शाम को काजल घर आती है तो दिव्या काजल से कहती है,
काजल, मुझे सब पता चल गया है। पिताजी हर महीने पैसे भेजते हैं और तुम उन पैसों का पता ही नहीं लगने देती, अपने पास रखती हो। और यहाँ मैं पिताजी को गलत समझ रही थी। तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलती थी ना कि महंगी महंगी चीज लाकर यह बताती थी कि यह तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड ने गिफ्ट दी है। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे जवाब दो। हाँ बहन जी, पिताजी हर महीने पैसे भेजते थे और मैं उन पैसों का तुझे पता नहीं लगने दिया करती थी। वह सब पैसे मैंने शॉपिंग करने में और पार्टी करने में, अपने दोस्तों के साथ घूमने में उड़ा दिया करती थी। और आगे से भी पिताजी जो भी पैसे भेजेंगे मैं उनको भी तुझे नहीं दूंगी, समझ आ रही है। काजल और दिव्या आपस में बातें ही कर रही थी, तभी वहाँ पर सरिता आंटी भागते हुए आती है और वह बहुत घबरा रही थी। तभी वह काजल और दिव्या से कहती है, काजल और दिव्या, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलने गांव आ रहे थे, तभी अचानक एक ट्रेन दुर्घटना में तुम्हारे पिता तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अब वह कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे बेटा। नहीं नहीं सरिता आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी हमें इस तरह से अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। इतने दिन बाद पिताजी आ रहे थे और वो इस तरह से हमें अकेले छोड़ के चले गए। पिताजी आपको इस तरह से हमें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। काजल और मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। मुझे आप पर गुस्सा था कि आप घर पर पैसे नहीं भेजते, लेकिन मैं गलत थी। आप तो हमसे कितना प्यार करते थे, हमारे भविष्य के लिए शहर में काम करते थे। पहले माँ चले गई, फिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। अब ये झूठ मूठ के आंसू ना किसी और को दिखाना, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू पिताजी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, उनसे नफरत करती थी, हमेशा उन्हें खरी खोटी सुनाती थी। अब वो इस दुनिया से चले गए तो ये ड्रामा दिखा रही है। अब चल अपना बोरे बिस्तर बांध और यहाँ से निकल। अब मैं तुझे इस घर में और नहीं रहने दूंगी, बहुत खाली तूने ऐश की। काजल, यह तुम क्या कह रही हो, तुम मुझे इस घर से बाहर क्यों निकाल रही हो? मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? जितना इस घर पर तुम्हारा हक है उतना ही मेरा भी है। इस घर पर तेरा हक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस घर को मैंने अपने नाम कर लिया है। इस घर की मालकिन अब मैं हूँ। अब मैं तो जैसी बहन जी और दो टके की सौतेली बहन की बातें और नहीं सुन सकती। तेरा ज्ञान सुन सुनकर मैं पक चुकी हूँ। अब मैं तुझ जैसी बहन जी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मेरा जब मन चाहेगा पार्टी करूंगी, शॉपिंग करूंगी, ऐश करूंगी। अब चुपचाप इस घर से निकलती है या फिर मैं तुझे धक्के मार कर निकालूं। मैंने तुम जैसी बदतमीज बहन आज तक नहीं देखी। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और तुम मुझे इस तरह से धक्के मारकर इस घर से निकाल रही हो। काजल, तुम ठीक नहीं कर रही, एक दिन पछताओगी। अच्छा बहन जी, तू मुझे बद्दुआ दे रही है, रुक तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसा कहकर काजल दिव्या की बहुत पिटाई करती है और उसके बाद उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी दिव्या, अभी अभी उसे अपने पिता की मौत की खबर मिली थी और अभी अभी काजल उसे घर से बाहर निकाल देती है। दिव्या के ऊपर मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वह रोते हुए इधर से उधर भटक रही थी, लेकिन उसे रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था और वह जंगल में कुछ खाने के लिए भी ढूंढ रही थी, जहाँ बेचारी दिव्या दर दर की ठोकरें खा रही थी भूखी प्यासी। वहीं दूसरी तरफ काजल प्रॉपर्टी बेच बेच कर ऐश कर रही थी, पार्टियां कर रही थी। ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते दिव्या की नजर एक कुटिया के बाहर बैठी हुई एक बूढ़ी औरत पर जाती है। तभी वह उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे अम्मा जी, आप इस तरह से उदास क्यों बैठी है, क्या हुआ, क्या कोई परेशानी है? बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं कुछ बनाकर खा सकूं। बहुत समय हो गया, कुछ खाया नहीं है, भूखी हूँ, बस इसलिए उदास बैठी हूँ। मगर बेटा, तुम बताओ, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम भी मुझे बहुत परेशान नजर आ रही हो। उस बूढ़ी औरत के कहने पर दिव्या उसे अपनी आप बीती बताती है और बहुत रोती है। दिव्या की आप बीती सुनकर उन्हें भी बहुत दुख होता है। तभी वह दिव्या से कहती हैं, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, मैं तुम्हारी दादी और तुम मेरी पोती। चलो आ जाओ मेरी कुटिया के अंदर और मेरे लिए और अपने लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाओ, तुम भी खाओगी और मैं भी। ठीक है बेटा।
उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर दिव्या खुश हो जाती है और कुटिया के अंदर जाकर स्वादिष्ट पकवान बनाती है और दोनों खुशी खुशी खाती हैं। अब दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिश्ता हो जाता है। दिव्या गांव से सिलाई करने के लिए कपड़े लेकर आया करती थी और सिलाई कर जो भी पैसे कमाती थी उससे अपना और अपनी दादी का पालन पोषण करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन अचानक दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। दिव्या तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती है। सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर दिव्या से कहती हैं, देखो हमने अम्मा जी के सब चेकअप कर लिए हैं। चेकअप करने के बाद हमें पता चला कि एक किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अभी ऑपरेशन करना होगा। अगर अभी ऑपरेशन नहीं किया तो दूसरी किडनी भी डैमेज हो जाएगी, तुम समझ रही हो ना। और ऑपरेशन में 1,00,000 रुपया से ज्यादा लग जाएंगे। तुम जल्द से जल्द 1,00,000 रुपया जमा कर दो, उसके बाद हम तुम्हारी दादी का ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। डॉक्टर की बातें सुनकर दिव्या घबरा जाती है और अपनी दादी को घर लेकर आ जाती है। तभी दादी दिव्या से कहती हैं, अरे बेटा तुम इतनी परेशान क्यों होती हो, डॉक्टरों की बातों को इतना अपने दिल से मत लगाओ। मेरी जिंदगी के कितने पल बचे हैं उन्हें मैं ऐसे ही काट लूंगी। 1,00,000 रुपया तो बहुत बड़ी रकम होती है, यह कभी इकट्ठा नहीं हो पाएगी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती बेटा। दादी जी इतने सालों बाद मुझे इतना प्यार करने वाली दादी मिली हैं और अब आप चाहती हैं कि मैं आपको ऐसे ही, नहीं नहीं मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने सुंदर सुंदर लहंगे सिलकर तैयार किए हैं, आप मेरा इंतजार करना। मैं शहर उन्हें बेचने जा रही हूँ, शहर में उन लहंगों की कीमत अच्छी मिल जाएगी और आपका ऑपरेशन जरूर होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप मेरा इंतजार करना। ऐसा कहकर दिव्या सभी लहंगों की एक पोटली बांधती है और उन्हें शहर लेकर जाने लगती है। शहर को जाने के लिए एक नदी का रास्ता पड़ता था। दिव्या वह लहंगों की पोटली नाव में रखती है और बैठकर शहर की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी बहुत तेज तूफान आता है और नाव डिसबैलेंस हो जाती है, जिस वजह से लहंगों की पोटली और दिव्या दोनों नदी के अंदर गिर जाती है। दिव्या को तैरना आता था इसलिए वह तैरकर बाहर निकल जाती है, लेकिन उसके लहंगों की पोटली बहकर कहीं दूर चली जाती है। यह सब देखकर दिव्या बहुत रोती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने रात दिन मेहनत करके यह लहंगे बनाए और अब मैं इन्हें शहर बेच कर आती तो पैसे मिलते, उससे मैं अपनी दादी का इलाज कराती। अब मैं दादी का इलाज कैसे कराऊंगी, मेरी सारी मेहनत और पानी फिर गया। ये क्या अनर्थ हो गया, अब मैं दादी को क्या जवाब दूंगी। मैं तो उनसे वादा करके आई थी कि मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, अब मैं शहर बेचने के लिए क्या लेकर जाऊं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा सोच सोचकर दिव्या बहुत रोती है। तभी दिव्या को एक आवाज आती है और वह आवाज एक पेड़ से आ रही थी जिसके नीचे बैठकर दिव्या रो रही थी। तभी वह पेड़ दिव्या से कहता है, दिव्या जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी हो यह कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि इस पेड़ में जादुई सोने और चांदी के लहंगे लगते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करो और 3 बार इससे ये कहो, ए जादुई सोने और चांदी के लहंगे के पेड़, मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर करो। अगर तुम सच में परेशान होंगी तो तुम्हें यह जादुई सोने और चांदी का पेड़ एक जादुई चांदी का लहंगा देगा। तुम उससे जो भी कुछ मांगोगी तुम्हारी वह इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। और अगर तुम झूठ बोल रही होंगी तो तुम्हें यह जादुई सोने का लहंगा देगा और तुम्हारे पास जो भी कुछ होगा वह सब ये जादुई सोने का लहंगा तुमसे छीन लेगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दिव्या सच में परेशान थी, उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वह अपनी आंखें बंद करती है और जादुई सोने और चांदी के लहंगे के पेड़ से कहती है, जादुई सोने और चांदी के लहंगे के पेड़, मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर करो। जादुई सोने और चांदी के लहंगे के पेड़, मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर करो। जादुई सोने और चांदी के लहंगे के पेड़, मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर करो। दिव्या 3 बार ऐसा कहती है तभी उसके सामने जादुई चांदी का लहंगा आ जाता है, जिसे देखकर दिव्या बहुत खुश होती है और उसे पहनकर खुशी खुशी उड़कर अपनी दादी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर जादुई चांदी के लहंगे से बहुत सारे पैसे मांगती है और उनका एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराती है। कुछ ही दिन में दादी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब दिव्या जादुई चांदी के लहंगे से अपने लिए एक सुंदर घर मांगती है तो उसे घर भी मिल जाता है और वह अपना एक बहुत बड़ा बुटीक भी खोलती है।
जिसमें वह सुंदर सुंदर लहंगे बेचती है। अब दिव्या अपनी दादी के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिता रही थी, लेकिन जब इस बात की खबर काजल को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। और एक दिन काजल दिव्या और उसकी दादी की बातें छुपकर सुन रही थी, तभी उसे पता चल जाता है कि नदी के पास जादुई पेड़ में जादुई सोने और चांदी के लहंगे लगते हैं, जिसे सुनकर वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। अच्छा, तो ये बहन जी इस वजह से इतनी ज्यादा अमीर हो गई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मैंने घर तक बेच दिया और लोगों के घर में बर्तन साफ कर कर अपना पेट भर रही हूँ। जब इस बहन जी को पता चलेगा तो मेरे ऊपर कितना हंसेगी। नहीं, मैं इसे अपने ऊपर हंसने नहीं दूंगी। अगर मेरे हाथ जादुई लहंगा लग गया तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगी, और ये तो गरीब लोगों की मदद कर रही है, मैं तो किसी की भी मदद नहीं करूंगी, उस जादुई लहंगे की मदद से ऐश करूंगी ऐश। ऐसा सोचकर काजल भी वहां चली जाती है और झूठ मूठ के आंसू बहाने लगती है। जादुई सोने और चांदी के लहंगे के पेड़ को भी समझ आ जाता है कि काजल झूठ बोल रही है, तभी वह उसे जादुई सोने का लहंगा देता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और जैसे ही उसे पहनकर धन दौलत मांगती है तो उसकी सारी सुंदरता वह जादुई सोने का लहंगा छीन लेता है। खुद को इतना ज्यादा बदसूरत देखकर वह बहुत रोती है, तभी जादुई सोने और चांदी के लहंगे के पेड़ से एक आवाज आती है। काजल, तुमने यहाँ आकर झूठ बोला, इसलिए जादुई सोने के लहंगे ने तुमसे तुम्हारी सारी सुंदरता छीन ली। काजल, तुम बहुत ही बुरे स्वभाव की लड़की हो, तुमने हमेशा बेचारी दिव्या को परेशान किया। अब तुम्हें तुम्हारे बुरे स्वभाव और झूठ बोलने की सजा बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी है, उम्मीद है कि तुम्हें सबक मिल चुका होगा। काजल रोते हुए वहाँ से आ जाती है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, ना ही धन दौलत और ना ही सुंदरता। और वहीं दूसरी तरफ दिव्या के पास एक प्यार करने वाली दादी होती है और जादुई चांदी का लहंगा, जिसकी मदद से उसके पास इतनी सारी धन दौलत थी, और वह अपने साथ साथ औरों की भी मदद करती है और एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।